चार पांच टेम्पो वाले जो गंदगी हैं उनके कारण हम सबको भुगतना पड़ता है। ये परेशान करने वाली बात है, और शहरों में कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे हल्द्वानी में हो रहा है। कागज हमारे पूरे नहीं है, डीएल नहीं है, कागज में कोई दिक्कत है, फिटनेस में दिक्कत है, उसमें चलान करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अनावश्यक नियम निकले हैं जिससे जो भयभीत है सब टेम्पो चालक। जो हमारे रोड की जो व्हाइट शर्ट है, हमारी नैनीताल रोड की व्हाइट शर्ट है और लाल कुआ की लाल शर्ट है, वो हो तो सब ठीक है। ये लोग ऐसा है, गरीब आदमी को दबाने ही जा रहे हैं और कुछ नहीं। ई रिक्शे ले जा रहे हैं, मेन रोड में सात आठ 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 सवारी, उनको कोई रोकता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के ऑटो स्टैंड में। दरअसल कुछ दिनों से जो ऑटो चालक हैं उनके लिए नियम लागू किए गए हैं, लेकिन जो ऑटो चालक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो नियम है उससे उन लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज हम हल्द्वानी ऑटो स्टैंड में मौजूद हैं और यहाँ ऑटो चालक से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन नियम से उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम पीएस वर्मा है। कि ये टेम्पो चालक में बहुत से रूल लागू किए गए हैं, तो इस पर आप लोग का क्या कहना है? नहीं देखिए, रूल लगाना ये हमारे प्रशासन की वो नहीं है, ऊपर से ही नियम है और नियम को फॉलो करना हमारा कर्तव्य भी है। अच्छी बात है अच्छे नियम निकले हैं, लेकिन इतने अनावश्यक नियम निकले हैं जिससे जो भयभीत हैं सब टेम्पो चालक जो है। जैसे अगर जानकारी के लिए अगर बताएं तो क्या क्या नियम जो हैं अभी लागू हो चुके हैं? अभी अखबारों में और हमारे जो नेता लोग हैं उनके माध्यम से बताया गया कि ड्रेस की पाबंदी लगाई गई है और आगे जो सीट हम लगा लेते हैं क्योंकि स्कूल के बच्चे ले जाने पड़ते हैं, तीन से ज़्यादा अधिक बैठाने पड़ते हैं क्योंकि महंगाई का ज़माना है, तीन सवारी से कुछ होता है नहीं और चार सवारी हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, तो उस पर बैन लगा कर प्रशासन ने उस सीट को हटा दिया गया है और हम उसकी कदर भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन का जो है जिम्मेदारी है यातायात के नियमों को जो पालन कराना, और हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे परसों विरोध भी देखा गया था इसके खिलाफ कि जो ऑटो चालक हैं वो ये रूल्स का विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध करना किसी चीज़ का जो है हमारा जो मानवता अधिकार है, लेकिन अनावश्यक जो शर्तें लगाई गई हैं उसके लिए खिलाफ हैं लोग, परेशान हैं ये। जैसे अभी कुछ दिनों से टेम्पो चालक के लिए काफ़ी रूल्स जो हैं वो लागू किए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? लागू तो किए हैं ना नियम, तो हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है ना, तीन सवारी में हमारा पड़ता नहीं आता, गैस का पैसा नहीं आता है, क्या करेंगे हम तीन सवारी में। जो अभी परसों विरोध देखा गया था, ऑटो चालक वालों ने विरोध किया था, वो आप बताएंगे कि मतलब विरोध का ऑटो चालकों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ रूल्स हैं वो लागू किए जाएंगे तो उसके बाद आप लोग को कैसी दिक्कतें होंगी? रूल्स तो बहुत गलत निकाल रखे हैं वैसे रूल, जैसे हमारे चालान भी हो रहे हैं, वैसे कागज हमारे पूरे नहीं है, डीएल नहीं है, कागज में कोई दिक्कत है, फिटनेस में दिक्कत है, उसमें चालान करे तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन सवारी कर रहे हैं, तीन सवारी में हमें पड़ता नहीं आता, चार कम से कम चार सवारी तो होनी चाहिए बस। जैसे मैं आज देख रही हूँ कई ऑटो चालक के गले में आईडी कार्ड भी है, इससे पहले ये आईडी कार्ड का रूल नहीं था, तो ये जो आईडी कार्ड का रूल है वो कब से चालू हुआ है? ये हमारा पिछले साल से ही चालू हो गया आईडी कार्ड का रूल, उसमें ठीक भी है, हमारी पहचान है उसमें, किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई भी जैसे नया आता है तो हमें पता मतलब वो चल जाएगा करके, ये ड्राइवर है और ये यहाँ रहता है, उसका पूरा बायोडाटा है आई कार्ड में हमारे। जैसे ड्रेस का जो नियम लागू किया गया है वो ड्रेस का मतलब कब से लागू हो जाएगा, कोई आपको जानकारी? अब कह रहे हैं खाकी वर्दी, कह रहे हैं खाकी वर्दी की तो हमारी उतनी वो है नहीं, अब कम से कम 2,000-2,500 की खाकी वर्दी सिलाई जाती है। जो हमारे रोड की जो वाइट शर्ट है, हमारी नैनीताल रोड की वाइट शर्ट है और लाल कुआ की लाल शर्ट है, वो हो तो सब ठीक है, वैसे तो हम खाकी वर्दी नहीं पहन पाएंगे। मतलब खाकी वर्दी बनाने में जो है काफ़ी पैसा लगेगा, तो दिक्कत ही है क्योंकि शर्ट आएगी, पैंट शर्ट होगी, खाकी वर्दी महंगा है कपड़ा ना, उसकी पूरी यूनिफॉर्म कह रहे हैं, जैसे कि कोट चार पॉकेट वाले कोट और पैंट और जूते वगैरह पूरे पूरी ड्रेस कही जाए तो कम से कम वो 2,500-3,000 के ड्रेस ही ड्रेस रहेगी, वो इतनी हमारी मतलब आजकल भी काम धाम वैसी ठप है, वैसी आजकल ट्रैफिक नियमों का वो हो रहा है, इस वजह से काम हम भी नहीं चल पा रहा है। जैसे जो रूल लागू किए गए हैं, काफ़ी रूल तो जैसे सत्यापन वगैरह के लिए हैं तो वो रूल ठीक है, लेकिन जो विरोध देखा जा रहा है वो किन रूल के खिलाफ दिए? ये ऐसा है ना, ये इनकी सब मनमानी हो रही, गरीब आदमी को हर तरफ से दबाया जा रहा है, कोई काम कुछ कर रहा है तो टेम्पो वाले हैं, टेम्पो वालों को ही पर बरसात गिर रही है और कुछ नहीं। मतलब आपका कहना है कि गरीब जनता को जो है वो परेशान? ये परेशान करने वाली बात है, और शहरों में कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे हल्द्वानी में हो रहा है। काफ़ी समय ऐसा देखा जाता है कि जब कोई हादसा होता है तो उस समय जो प्रशासन है वो जागरूक हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ ऐसा देखा नहीं जाता, वो हो जाता है। ये लोग ऐसा है, गरीब आदमी को दबाने ही जा रहे हैं और कुछ नहीं है।
दो पैसे कमा रहे हैं हम यहाँ, अब वो कह रहे हैं तीन सवारी ले जाओ। अब तीन सवारी में क्या गुजारा, या तो पैसे बढ़ाएंगे तब तो बात है, तो गरीब आदमी खा नहीं पाता है ना, ऐसा क्या करे। क्या लगता है कि अगर जैसे तीन सवारी कर दी गई है, पहले तो चार सवारी का था, अब तीन कर दी गई है, तो क्या किराए में भी बढ़ोतरी होगी? किराए में बढ़ोतरी होनी चाहिए, अब तीन सवारी में रोटी खा लेंगे हम, ये महंगाई के ज़माने में हैं। ठीक, किराए की गाड़ियाँ हैं, किराए देना है, बच्चे पालने हैं, कहाँ से होगा। पूरा लेटर लिख के दे रखा आरटीओ ऑफिस में, 10 बार दे दिया है। तो लेटर में आपने क्या बताया? लिखी अपनी परेशानी, हमारी परेशानी सब लिख रखी है हमने, लेकिन प्रशासन हमारे लिए तो कुछ नहीं करता, हमारे ऊपर दबाव बनाता है। ई रिक्शे ले जा रहे हैं मेन रोड में, 7-8 सवारी, उनको कोई रोकता नहीं है। जैसे हाँ, ये भी देखा गया है, ई रिक्शा हर जगह चलता है, लेकिन टेम्पो वालों को हर जगह नहीं जाने दिया जाता। नहीं जाने दिया जाता है ना, हमारे को परमिट ही इशू नहीं करते हैं। हमारे को दे देंगे 8 किलोमीटर का परमिट, इधर को जाओ इधर को जाओ, वर्दी पहनो ये पहनो, सही है, हम कह रहे हैं वर्दी सही है, अच्छी है वर्दी, हमारे लिए अच्छी है वर्दी, लेकिन सब रूटों में एक ही वर्दी करे ना, ये नहीं कि कहीं पे हरी कर दी, कहीं पे नीली कर दी, कहीं पे पीली कर दी, कहीं पे लाल कर दी। आपको क्या लगता है जो ये नियम लागू किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? कुछ तो अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं, ये केवल 4-5 टेम्पो वाले जो गंदगी हैं उनके कारण हम सबको भुगतना पड़ता है। हमारी जानकारी के अनुसार जो सत्यापन के नियम हैं या जो है वो सब तो ठीक है, लेकिन दिक्कत होते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे हर साल होते हैं सत्यापन, और हम हर साल पुलिस चौकी थाने में सत्यापन कराते हैं अपना, हर साल कराते हैं, और इसी साल नहीं हुए हमारे सत्यापन, और इसी साल ये हो रखा, नहीं तो हम तो प्रशासन के साथ मिलके ही चल रहे हैं हमेशा से, नहीं तो ऐसे लाइन पे क्यों लगे होते, 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं लाइन पे, तब जाके हमारा नंबर आता है। उसके बाद भी अगर तीन सवारी अगर बैठाने का होगा तो उस पर सवारी बैठाने का हो तो किराया बढ़ाए ना, और ई रिक्शा रोके, ई रिक्शे को आप रोक नहीं पा रहे हैं, देखो 7-7, 6-6, 7-7 सवारी ले जा रहे हैं। तो जैसे कहा जा रहा है ये जो रूल लागू हुए हैं टेम्पो वालों के लिए भी और ई रिक्शा वालों के लिए भी, ई रिक्शा वालों के आप देख लो आज के कौन, उनको कौन पकड़ रहा है, हमें पकड़ ले, हमारी सारी गद्दियाँ निकाल दी हैं, ये गद्दी मत लगाओ वो गद्दी मत लगाओ। टेम्पो जो है अब मॉडिफाई होंगे तो कहा जा रहा है उसमें रॉड वगैरह लगेगी एक साइड को, ये हैं सब उतार के रख रखी है, क्योंकि आगे की सीट है वो हटा दी जाएगी, सब हटा दिए हैं, हटा दिए हैं, वो खाली हम ही लोगों के लिए लागू है ना, और किसी के लिए लागू नहीं है। मतलब आपने प्रशासन को पत्र लिखा है लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई देखने को? हमने बहुत बार लिखे हैं, हमने आरटीओ में देख रखे हैं जाके, कई बार मीटिंगें कर चुके हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है ना, ठंडे बस्ते में चले जाता है सारा, वो आपको भी मालूम है हमें भी मालूम है, कुछ टाइम बाद ये होगा फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर ज्यादातर कभी कोई हादसे होते हैं तो ये चीज, हाँ ये तभी आते हैं। जैसे जो ये रूल लागू किए गए हैं ऑटो चालक वालों के लिए, वो आप हमें बताएंगे कि क्या क्या रूल जो हैं लागू किए गए हैं? वो रूल वही है ड्रेस के बारे में, और ये पट्टी लगानी है, यही है, हाँ ये तो पहले से लागू है। हाँ जी हाँ, जैसे अब कही जा रही है सीट हटाई जाएगी कहीं ना कहीं सत्यापन, और जो ड्रेस का ड्रेस पूरी फॉर्मल रहेगी, मतलब कोट पैंट और शर्ट जो जैसे बताई जा रही है, खाकी वर्दी बताई जा रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है? खाकी वर्दी विषय में कल हमारी बात हुई है, ड्रेस हमारी जो पहले थी वाइट वही चलेगी, इस विषय में हमने कल सिटी मेडियर साहब से बात की है, उन्हें एग्री कहा, आज मीटिंग है 11:30 बजे करीब मीटिंग है आज, तो उसमें हमारे केदार पटेल आएंगे अध्यक्ष महोदय, तो पूरी डिटेल बात करेंगे। मतलब आप लोग का कहना है कि खाकी वर्दी के बजाय जो सिंपल ड्रेस कोड है वो लागू हो, वही जो पहले था, जो पहले था व्हाइट शर्ट में, व्हाइट शर्ट में जो थी पहले कारदाम रोड की जो व्हाइट शर्ट थी, जैसे लाल कुआं रोड की है वो रेड कलर की है, और काला डोंगी रोड की जो है वो ग्रीन कलर की है, और रामपुर रोड की जो है वो पर्पल कलर की है, जैसे गोला पार की है वो ब्लू कलर में है, तो मतलब हम से ये है कि उस ड्रेस पहनने से हमारी पहचान होगी कि हम किस रोड के हैं। मान लिए कोई सी टेम्पो वाला कोई गड़बड़ कर गया तो उसकी शर्ट से हमें पता लग जाएगा कि ये हमारे रोड की नहीं है, ये दूसरे रोड की गाड़ी है। और जैसे जो रूल लागू किए गए हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं क्या कहते हैं देखा जा रहा है कि लोग उसका मतलब समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो कौन कौन से रूल हैं जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत तो यही हो रही है कि मैडम हम 3 पैसेंजर कर रखे हैं, तो 3 पैसेंजर में क्या हम खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, और गवर्नमेंट का इतना टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, अगर एक चीज़ टूट जाए तो उसकी पेनल्टी समेत हम लोगों को भुगतना पड़ता है वहाँ पर, अब इस कारण हम बहुत परेशान हैं, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है, जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी हम फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करने को तैयार, लेकिन गवर्नमेंट को रूल्स इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जिससे जो है हमें भी 2 रोटी मिल सके और हम अपने बच्चों को पाल सकें।
नहीं तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कभी ना कभी जैसे कोई भी हादसा होता है अगर उसमें ऑटो चालक वाला इन्वॉल्व होता है तो उसके चक्कर से सारे नियम जो हैं सारे ऑटो चालक वालों के लिए होते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जो गलत करता है उसको दंड देना चाहिए और परेशान नहीं करना चाहिए, उसको तो दंड मिलना चाहिए। हमने गलती की है तो उसकी सजा हमें मिलना चाहिए, जबकि इनको नहीं मिलना चाहिए। जो हमारी गलती है हम हमेशा जब उतने को तैयार हैं, हमें प्लांटी जो भी मिले गवर्नमेंट रखेगी उसको हम तैयार हैं। लेकिन अब उसकी ये नहीं है कि दूसरा आदमी गलती करे उसकी सज़ा हमें भी मिले, क्योंकि हम बच्चे कैसे पाल पाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं, हमें भी फैमिली को देखना पड़ता है कि उनको पढ़ाई लिखाई है सब कुछ को देखना पड़ता है, उससे हमारे बच्चों के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसा हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगेगा तो हमारे बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा कि बच्चे कैसे लाइफ में जी पाएंगे। कहीं ना कहीं एक कोई करता है और बदनाम सब होते हैं। अब बदनाम तो सभी होते हैं उसके अंदर, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो ऐसी गलती करे तो उसको पेनल्टी उसको पड़ना चाहिए। जैसे कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जो ये नियम लागू किए जा रहे हैं वो महिला सुरक्षा को लेकर और बच्चों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं, तो इस पर आपके कहना है? नहीं नहीं, वो तो मैडम अच्छी बात है। देखो हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी महिलाएं, हमारी भी बेटी है, अपनी बेटी भी है मेरी, मेरी पढ़ने वाली बेटी है, उसको भी होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होना चाहिए सभी की, इनकी हो किसी की भी हो बेटी, वो हमारी बेटी भी है भाई, हम तो अपनी बेटी की तरह मानते हैं, जैसे हमारी बेटी वैसी दूसरे की बेटी, हम तो यही चाहते हैं कि उसकी सुरक्षा होना चाहिए, हम भी फेवर में हैं उस चीज़ के। जैसे हमारी अगर सेवा लेना चाहें तो हम अपनी सेवा भी देने को तैयार हैं हर सूरत में, लेकिन बस यही है कि मैडम हमें थोड़ा सा परेशान ना किया जाए, कि इस तरीके से परेशान ना किया जाए जो हम अपने बच्चों को दो रोटी नहीं खिला पाएँ, उनकी परवरिश नहीं कर पाएँ। बस परसों ऑटो चालक के द्वारा विरोध देखा गया था, तो वो किस विषय में, मतलब किस रूल के अगेंस्ट देखा गया? नहीं उसका तो मैडम हमको नहीं पता है, हाँ क्योंकि हम तो उसको भी पता नहीं, हम तो स्टैंड वाले हैं। जैसे बाहर के लोग आ गए हैं मान लीजिए, ना उनके ऊपर DL है, ना यहाँ का परमिट है, चलो परमिट कोई भी छोड़ो कोई बात नहीं चल जाएगा, लेकिन DL वगैरह उनके पास RD यहाँ की नहीं है, यहाँ की RD प्रूफ तो कुछ होना ही चाहिए ना। अब मान लीजिए कोई बात हो जाए तो उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। ज्यादातर ये देखा जा रहा है जो बाहर के लोग आ जाते हैं उन लोग के पास कागज नहीं है, सत्यापन वगैरह नहीं है, तो इस वजह से भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो यहीं रहते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे आप गाड़ी नंबर आप डाल के देखेंगे तो हमारी पूरी RD निकल के आ जाएगी बाहर, कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा क्या नाम है, सब कुछ बाहर आ जाएगा निकल के, गाड़ी नंबर डलते के साथ ही हमारा आ जाता है। अब मैडम जो ये नियम लागू हो रहे हैं उस पर आपका क्या? ये नियम तो सही है हमारे विचार से, क्योंकि ऐसा है इसमें जो है हम लोग बेमतलब के मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो हम नियम से चलते हैं, जो नियम से चल रहा है वही आदमी बेकसूर मारा जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो लोकल आदमी हैं और ना मैं 10-12 सवारी बैठानी है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो 10-12 सवारियाँ बैठा रहे हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं है प्रशासन का, उनको देख भी नहीं रहे, चेक भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भगोड़े भी हैं, वो कहीं से भी गाड़ी घुमा के चल देते हैं। हम तो अपने नियम से चलते हैं, हमारे कागज़ पूरे ओके, हमारे परमिट ओके, हमारा DL ओके, हम लोग यहीं के निवासी ओके, और फिर भी हम नियम से चलते हैं। RTO हो या पुलिस वाले हो, कोई भी अगर चेकिंग करता है तो हम बिल्कुल निडर होके रोड पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास निर्धारित सवारियां रहती हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी हमें रोका जाता है। ये गलत है ना, कि बॉम्बे में आप देख लो, लखनऊ में आप देख लो, दिल्ली में आप देख लो, ऐसा है कि ऑटो वाला जो है बुकिंग में जाता है, 10 किलोमीटर बुकिंग का कम से कम 250-300-400 रुपये चार्ज होता है। हम लोग 10 किलोमीटर जाते हैं, 30 रुपये सवारी हमारा रेट है, तो हम 10 किलोमीटर जा रहे तो हमें कितना मिला, 90 रुपया मिला, तो हमें हम क्या बच्चे पालेंगे उसमें, क्या हमारी वो होगी? देखिए हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ हम उनको पढ़ा लिखाएंगे, क्या करेंगे? यही हमारे ऊपर एक संशय का विजय हो रहा है कि क्या कर पाएंगे हम। ये भी देखा जाता है कि ई रिक्शा वाले सब जगह जा सकते हैं, लेकिन टेम्पो चालक हर जगह नहीं जा सकता, जगह नहीं जा सकता, नहीं उनको परमिशन नहीं है मेन रोड पर चलने की। मैडम उनको परमिशन नहीं है, परमिशन उन लोगों को भी नहीं है, नहीं है परमिशन, लेकिन वो डायरेक्ट अंदर जीरो जोन के अंदर जाते और 5-5, 6-6 सवारी भर के लेके आते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। क्योंकि यहाँ तो ये ज़्यादातर देखा जाता है कि नंबर से ऑटो जो है जाते हैं, हम नंबर से ही चलते हैं, हमारा 2-2 घंटे में 3-3 घंटे के अंदर नंबर आता है यहाँ से, हम भी परेशान होते हैं, पूरी धूप हमारे ऊपर से उतरती है, लेकिन उसके बाद भी हम परेशान रहते हैं। और ये ई रिक्शा वाले जाते हैं सीधे डायरेक्ट आते हैं नीचे को जीरो जोन में, जीरो जोन से सीधे भर के 5-5, 6-6 सवारी, उनको कोई नहीं रोकता। नहीं, हमारी कल विधायक साहब से बात हुई है, विधायक साहब को हम ज्ञापन दे के आए हैं,
प्लस उसमें हमारे को एसपी साहब से भी बातचीत करी, विधायक साहब ने, और आईटीओ साहब से भी बात करी, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आज बुला रखा है, आईटीओ साहब ने कल या परसों टाइम देके मीटिंग, हमारा पक्ष अभी तक सुना नहीं गया है। अच्छा। तो हमारा पक्ष सुनने के लिए हमारी मीटिंग में हमको बुला रखा है, उसके बाद जो निर्णय वहाँ से निकलेगा उसके बाद कोई आगे जैसे हमारे फेवर में कुछ कार्रवाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद की बात देखी जाएगी प्रक्रिया। जैसे अगर आप एक बार विस्तार में बता दें कि क्या क्या जो नियम है वो लागू किए गए हैं। ऐसा ना, एक तो खाकी वर्दी कह रहे हैं, जैसे हमारे को पहले सब चारों रोडों की बांट दी, हमारी व्हाइट शर्ट कर रखी है, लाल कुआ की लाल कर रखी है, रामपुर रोड की ग्रीन कर रखी है, और चारों रोडों की हमारी वर्दी ड्रेस बांट रखी है। अब वो कह रहे हैं उसमें साथ में नेम प्लेट भी है, फिर नेम प्लेट के लिए किसी अधिकारी ने मना कर दिया था कि ये नेम प्लेट आप नहीं लगा सकते करके, वो चलो नेम प्लेट हमने बनवा के रख रखे। अब ये है कि खाकी वर्दी तीन सवारी ये क्या रखा है। अब उसके लिए आईटीओ हमारा एक उधर ही से डीएम साहब के साथ में वार्तालाप हुई होगी, आईटीओ साहब की मीटिंग जो भी हुई होगी, जैसे भी होगा, तो एसपी साहब ने ये रूल लागू कर दिया है, बल उसमें हमको टाइम दे रखा था 10-15 दिन का ऐसे कुछ। अब धीरे धीरे चालान की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो हम विधायक साहब के सौजन्य से हमारी मतलब विधायक साहब को कल ज्ञापन दिया था, उसके द्वारा विधायक साहब ने आईटीओ साहब से सिटी एसपी साहब एसपी साहब ट्रैफिक उनसे बातचीत करके, आईटीओ साहब से बात करके, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करके कल आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास बुला रखा है, और ट्यूसडे वेनसडे ये दो दिन में हमारे को आईटीओ साहब ने बुला के मीटिंग करके हमारा पक्ष सुनने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो करते हैं हम। मतलब अभी आप लोग का पक्ष नहीं सुना गया है, उसके बाद मीटिंग बुलाया नहीं गया है हमें, उन्होंने एक तरफा कराया, अभी हमें कोई बुलाया नहीं, सीधे अभी रूल लागू कर दिया, रूल लागू कर दिया इन्होंने बस, हमें कोई ना कोई हमें कोई टाइम नहीं दिया हमें कुछ भी, मतलब ऐसा वैसा करके कुछ नहीं, कोई चालान कार्रवाई करी गई। परसों हमारे ऑटो वालों ने कुछ ऑटो वालों ने घेराव करा तब काम परसों विरोध हुआ है, विरोध हुआ, अभी भी वहाँ खड़े हैं, और कुछ ऑटो वाले वहाँ फोन आ रहा है तब वहाँ जा रहे हैं हम। तो जैसे कि आपने ऑटो चालकों की बात सुनी है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और जो नियम लागू हुए हैं उनसे उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अगर एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अगर तीन सवारी बैठाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे आम जनता को ही समस्या देखनी पड़ेगी। वहीं ऑटो चालक का ये भी कहना है कि जो आज और कल मीटिंग बैठाई गई है, मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि नियम बदलेंगे या नियम वही रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।